सो हेलो एवरीवन, दुर्गे दिस साइड एंड बैक ने वीडियो। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं TVS Raider 125 का। और मुझे पता है कि काफ़ी टाइम बाद मैं इस बाइक का रिव्यू बना रहा हूँ। अभी से देख लो झलक, काफ़ी अच्छी लग रही है और मैं सारी डिटेल्स आपको देने ही वाला हूँ। तो सबसे पहले थैंक्स टू श्यामा श्री TVS जिन्होंने हमें ये बाइक प्रोवाइड कराई है। और आपको उनकी कोई भी डिटेल्स जाननी हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा कॉन्टैक्ट डिटेल एंड ऑल। तो चलो बाइक के एक बढ़िया से वॉक अराउंड से स्टार्ट करते हैं और उसके अपडेट्स के बारे में बताते हैं, क्योंकि अब भाई 2023 मॉडल है तो काफ़ी बढ़िया बढ़िया अपडेट्स आए हैं। और मैं TVS से वैसे पर्सनली बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि यार इसमें जो अपडेट आ रहे हैं ना, जो मतलब कि इन बाइक्स में दे रहा है, जैसे 125 सीसी की बाइक में दे रहा है, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और जो चीज़ें मुझे नहीं अच्छी लगी मैं वो भी बताऊँगा। तो चलो सीधा बाइक के वॉक अराउंड से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इस बाइक का आपको प्राइस बता देता हूँ। ये आती है 1,23,272 रुपीज़ की ऑन रोड, जो कि काफ़ी बढ़िया प्राइस है। और इस प्राइस में, इस बाइक में आपको काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं बाइक के फ्रंट से। तो फ्रंट में आपको LED हेडलैम्प का सेटअप देखने को मिल जाता है विद DRL से। इसको स्प्लिट हेडलैम्प कहेंगे एक तरीके से, क्योंकि एक इधर साइड है और एक इधर साइड है, तो पूरा ये रोबोट वाली फील देता है, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पे आप TVS की बैजिंग देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लग रही है और प्रॉपर 3D में है, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। जो उभरा आता है TVS लिख के, तो ये भी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे अपना इंडियन फ्लैग बना हुआ है और ये देख सकते हैं आपको इसके टर्न सिग्नल्स, यहाँ पे हाइलोजन देखने को मिल जाएगा, जो कि थोड़े से हार्ड हैं। इसके इंडिकेटर थोड़ा सा सॉफ्टर साइड हो सकते थे, मगर कोई बात नहीं, उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अगर इसके सॉकर्स की बात करें, तो यहाँ पर आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाएगा, जो कि लो मेंटेनेंस में काफ़ी आता है और बहुत ज़्यादा जल्दी लीक नहीं होता है। थोड़ा सा ध्यान रखो तो काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है। और यहाँ पे इसके मडगार्ड की बात करें, तो यहाँ पे आपको स्प्लिट मडगार्ड देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लग रहा है। पीछे आपको मैट में देखने को मिलेगा ब्लैक, एंड सामने आपको ग्लॉस में, तो ये भी अच्छा है। और फिट एंड फिनिश यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन दी गई है। ये जो एकदम अलग से पार्ट ऐसा लग रहा है, अलग से कुछ लगाया हुआ है, मगर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है और फिनिशिंग बहुत ज़्यादा प्यारी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अलॉयज एकदम बेहतरीन ब्लैक कलर में आते हैं। डिस्क ब्रेक आपको फ्रंट में देखने को मिल जाती है, पीछे साइड आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिलती है। तो ब्रेकिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है, दोनों ब्रेक आपको साथ में मारना है। अभी शुरुआत में तो उतनी ब्रेक नहीं लगती, मगर जैसे जैसे थोड़ा सा पुरानी होती जाती है बाइक, तो ब्रेकिंग भी वैसे वैसे इनहेंस होती जाती है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो हॉर्स बना हुआ है, ये भी 3D में बना हुआ है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। उधर रेडर लिखा हुआ है, ये भी 3D में लिखा हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन एक अलग से लुक आ रहा है, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। और यहाँ पर बात करें इसके इंजन की, तो भाई साहब ये है एयर कूल्ड इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 11.38 PS एंड 11.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क, और बहुत बढ़िया पावर है। जब आप बाइक चलाओगे ना, तो आपको पावर फील होगी। और इस बाइक में दो मोड आते हैं, उसके बारे में आगे चल के बात करेंगे। यहाँ पर आप TVS देख सकते हो, ये भी 3D में लिखा है, और ये जो पार्ट देख रहे हो ना, मस्त एकदम फाइबर का पार्ट है। और 125 सीसी जब आप बाइक स्टार्ट करते हो ना, ये बाइक काफ़ी ज़्यादा साइलेंटली स्टार्ट होती है, आपको पता नहीं चलेगा कि बाइक कब स्टार्ट हो गई। एग्जॉस्ट देख सकते हो, ब्लैक और ग्रे का काफ़ी बढ़िया कॉम्बिनेशन है, सिल्वर कहेंगे वैसे तो, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है कॉम्बिनेशन इसका। और फुटरेस्ट वगैरह यहाँ पर आप देख सकते हो, एकदम रबराइज दिए गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये वाइब्रेशन थोड़ा सा बाइक की कम कर देता है, आपको फील नहीं होता है उतना। वाइब्रेशन तो इंजन के पास ऑब्वियसली रहेगा ही थोड़ा थोड़ा, तो वो बात अलग है, मगर यहाँ पर आपको उतना ज़्यादा फील नहीं होने वाला है। और ग्रिपिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी। और ब्रेक देख सकते हो इसकी, तो जो इसका ब्रेकिंग का स्टाइल है ना, थोड़ा सा अलग है, ऐसा इसी बाइक में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये डिज़ाइन ही थोड़ा सा अलग किया गया है, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया अलग अलग सा थोड़ा सा लगता है, लुक अलग अलग किया गया है, तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और यहाँ पर आप देख सकते हो, जो इसका ये वाला फुटरेस्ट वाला पार्ट है, तो ये अलग हो जाता है, जैसे MT15 में आता है ना, उसको आप नट खोल के अलग कर सकते हो, तो वैसा इसमें भी है। और कहाँ वो वाली बाइक, कहाँ ये, मगर क्या ही मतलब एकदम बढ़िया एकदम लुक कर दिया गया है इसका, शब्द नहीं है मेरे पास ऐसे बोलने के लिए, मगर काफ़ी अच्छा लग रहा है। पीछे साइड आपको ड्रम देखने को मिल जाती है। बात करें इसके सीट वगैरह की, तो भाई काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल सीट है। और थोड़ा सा टैंक की बात करते हैं, तो यहाँ पर भी स्प्लिट कर दिया गया है टैंक को। यहाँ पर आपको एकदम बढ़िया ब्लैक ग्लॉस देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर मैट और यहाँ पर भी ग्लॉस। E20 भी आती है भाई साहब, ये बाइक E20 के साथ चलती है, मतलब इथेनॉल आप इसमें डलवा सकते हो, 10 लीटर का इसमें टैंक आता है। ये बाइक आपको माइलेज अप्रॉक्स 55 से 60 का माइलेज आराम से दे देगी, कहीं नहीं गया भाई इतना माइलेज, और जो कि काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर आप अपना फ़ोन चार्ज वगैरह कर सकते हो, इसको खोलो, हाँ तो ये देखो यहाँ पे आप अपना फ़ोन आराम से चार्ज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इमरजेंसी में काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है। पीछे साइड की लगी है, तो लगे हाथ मैं इसका आपको बूट स्पीड दिखा देता हूँ। तो ये ऐसे घुमाओ, ये साइड में रखो सीट, तो ये देखो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसमें आप अपने टूल्स वगैरह रख सकते हो, फ़ोन वगैरह भी कभी कभी रख सकते हो, कोई चीज़ हो, कोई काम हो, तो ऐसा कोई बात नहीं है। वैसे स्पेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बंद करना भी आसान है, एक हाथ से आप इसकी सीट आराम से बंद कर सकते हो। बाकी सब बाइक में क्या होता है कि दोनों हाथ लगाना पड़ता है, मगर इसमें आराम से बंद हो जाता है। चाबी देखो कितनी प्यारी है, ये देखो
काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि जिस प्राइस में कीज़ वगैरह आ रही हैं, वैसे बड़ी बड़ी बाइक्स में आता है, जैसे अपना ड्यूक वगैरह में ऐसी बाइक आती है, पल्सर आर एस 200 में देखेंगे थोड़ा बहुत ऐसी की देखने को मिलेगी, तो ये काफ़ी अच्छा है। पीछे साइड आप देख सकते हो जो इसकी बैक लाइट है वो भी LED है। टर्न सिग्नल्स की बात करें तो यहाँ पर भी हैलोजन है, ये अपना रिफ्लेक्टर हो गए हैं, नंबर प्लेट माउंट करने का फुन थ्रू साड़ी गार्ड यहाँ पर दिया गया है, जैसे मम्मी या दीदी कोई भी बैठता है तो साड़ी वैसे नहीं फंसेगी, या फिर सलवार सूट का दुपट्टा वगैरह, तो ये भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और जो इसके वैसे क्वालिटी देखी जाए ना तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, कट कट बोल रहा काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा सुनने में आवाज़ अच्छी लगती है। जो इसकी चेन है ना वो थोड़ा सा ओपन चेन है, तो जैसे आपको इसका थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी सब बाइक में क्या होता है कवर होता है तो उतना ज़्यादा आपको टेंशन नहीं रहती है, मगर इसमें आपको अच्छे से केयर करनी पड़ेगी चेन की, वरना जंग लग सकती है पानी पड़ने की वजह से। तो वैसे बहुत सारे लोग जो है ना इस चेन में जो ओपन चेन होती है उसमें मोबाइल डलवाते हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि भाई मोबाइल बिल्कुल मत डलवाओ, उससे आपको जो चेन सेट है ना बहुत जल्दी ख़राब होता है, तो आप इसको चेन पहले क्लीन करो आराम से और फिर इसमें चेन ल्यूब डालो, तो बहुत ज़्यादा महंगा नहीं आता है, रॉनिन का आता है 110-120 रुपए का मिल जाता है आराम से, तो वो आप इसमें डलवा सकते हो। और इधर साइड भी आई आप अपना बढ़िया से एकदम स्पोर्ट्स वाला गियर चेंज कर सकते हो, बढ़िया से बाइक आती है 5 गियर के साथ तो काफ़ी अच्छा लगता है भाई, आप आराम से गियर चेंज कर सकते हो। और ये देख सकते हो आपको इसमें साइड स्टैंड कट ऑफ का भी सेंसर देखने को मिल जाता है, ये लगा हुआ है सेंसर, 2 स्टैंड के साथ आती है, तो चेन आप आराम से साफ़ कर सकते हो। यहाँ पर इंजन काउल भी इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ब्लैक कलर में है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, और जो क्वालिटी है ना इस काउल की सही है, फाइबर का है मगर अच्छा है, क्वालिटी फाइबर की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है इस बाइक में। जो फिट एंड फिनिश है ना इस पूरी बाइक का काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, यहाँ पे स्मार्ट एक्स कनेक्ट भी लिखा हुआ है, तो ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अपनी चाबी हम वापस लगा देते हैं, ये अच्छा लग रहा है भाई साहब, पूरा एकदम लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है इस बाइक का, मुझे पर्सनली अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, मुझे बाइक काफ़ी अच्छी लगती है। और मैं सच बताऊँ तो मेरे घर में भी ये 3-4 लोगों के पास है, जैसे कि मैं बोलता हूँ ना कि 100 में से 60 लोगों के पास है, वैसे भाई 4-5 लोगों के पास तो मेरे घर पे है, तो ये भी अच्छा है। और जैसे इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हम ऑन करेंगे तो थोड़ा सा धोखा है, यहाँ पर ABS लिखा है मगर इस बाइक में ABS आता नहीं है, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान देने वाली है भाई, TVS ऐसी छोटी मोटी गलती मत करो। और इसमें वैसे देखा जाए तो 2 मोड देखने को मिलेंगे इसमें, एक ईको और पीछे साइड एक ये लिखा हुआ है पावर मोड, तो ये देखो ये पावर मोड ऑन करते ही पूरा डिस्प्ले चेंज हो गया, बहुत ज़्यादा बेहतरीन लिखा हुआ, जब हम इको मोड में लगाएंगे तो अलग सा चेंज हो जाएगा, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। यहाँ पर आपको अपनी स्पीड पता चल दी जाएगी, एवरेज स्पीड, ट्रिप ए, ट्रिप बी वगैरह सब कुछ मिलता है, यहाँ पे मेनू बटन मिलता है जो पुरानी वाली बाइक में नहीं आते थे ये सब बटन, जब से ये TFT डिस्प्ले आई है तभी से अच्छा लग रहा है ये सब, मतलब कि ये सब चेंजेस आए हैं तो थोड़ा सा अच्छा तो लग ही रहा है। ये देखो रेंज, एवरेज माइलेज हो गया अपना, ट्रिप ए, ट्रिप बी, ये सारी चीज़ें रेंज सब कुछ बता देगा, ये अपना ओडोमीटर हो गया, एवरेज स्पीड वगैरह सब कुछ इसमें पता चल जाएगी। और ये डिस्प्ले आता है IP69 रेटिंग के साथ, तो बहुत ही ज़्यादा है, डस्ट प्रूफ एंड वाटर प्रूफ दोनों हैं, तो बिल्कुल भी पानी अंदर नहीं जाने वाला है। और इस बाइक में भाई साहब आपको न्यूज़ पता चलती रहेगी, जब आप फ़ोन से कनेक्ट करोगे और अपना कोई भी स्पोर्ट्स न्यूज़ हो गई या फिर नॉर्मल न्यूज़ कुछ भी आप सुनते हो तो वो चीज़ें पता चलेंगी, टर्न बाई टर्न नेविगेशन देखने को मिल जाएगा, कहाँ पर आपने लास्ट ये बाइक पार की थी वो सारी चीज़ें। और यहाँ पर आप देख सकते हो आई बटन के ऊपर वो बना हुआ है, ये देखो जब आप बटन को प्रेस करके रखोगे ना तो वॉइस असिस्ट काम करेगा, जब आपने हेडफोन या एयरपॉड्स कुछ भी पहने होंगे तो ये वर्क करेगा, आप अपना नेविगेशन डाल सकते हो भाई हमें यहाँ जाना है बोलकर, तो वो आपको टर्न बाई टर्न नेविगेशन यहाँ पर दे देगा, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। यहाँ पर अपना हो गया फ्यूल का, लाइट जल रही है, अपना फ्यूल इम्पिटी फुल ये सब कुछ दिखा रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये देखो आप अपना मीटर देख सकते हो, RPM मीटर कितना अच्छा लग रहा है, जैसे 9000 RPM आया तो यहाँ पर रेड कर दिया गया है, तो लुक काफ़ी अच्छा है, ये देख सकते हो, ये देखो काफ़ी अच्छा लग रहा है प्रॉपर, वैसे लुक देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। और आई थिंक इसमें गियर चेंज, हाँ ये देखो गियर चेंज इंडिकेटर भी है भाई साहब, 125 cc में क्या क्या दे रहे हैं यार ये लोग। TVS वैसे काफ़ी ज़्यादा अपनी बाइकों पे ध्यान दे रहा है इस टाइम पे, और इसका जो एकदम छोटा सा हैंडल बार देख सकते हो एकदम बेहतरीन लगता है, उतना ज़्यादा चौड़ा नहीं है, आराम से आप बैठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, सीट कम्फर्ट एक नंबर आपको इसमें मिलने वाला है। और 10 लीटर का टैंक आता है भाई, 55 से 60 का माइलेज तो भाई कहीं नहीं गया, कहीं भी नहीं गया, बहुत अच्छा आपको माइलेज देगी ये बाइक। और वैसे बाकी सारी चीज़ें तो सेम ही हैं, उतना कुछ चेंज नहीं हुआ, ब्रेक लीवर क्लच लीवर सब कुछ चेंज है, यहाँ पर आपको अपर डिपर देखने को मिल जाता है, इंडिकेटर्स देखने को मिल जाता है, हॉर्न ओके हॉर्न काफ़ी सही है, काफ़ी तेज़ है, यहाँ पे आपको पास लाइट देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आप मोड अपना चेंज कर सकते हो, मीनू और स्टार्ट बटन, और बाइक को स्टार्ट करके दिखाऊं, देखो न्यूट्रल कर लेता हूँ पहले, मतलब आवाज़ आई बिल्कुल खिड़की खिड़की जो होता है वो सब बिल्कुल भी आवाज़ नहीं, और भाई एकदम बेसी साउंड है इसका, एक पल को तो आपको लगेगा ही नहीं कि भाई साहब
ये 125 सीसी का इंजन है इसका, काफ़ी ज़्यादा बेहतर इसमें लुक्स दिए गए हैं और इन्हेंस तो थोड़ा बहुत किया ही गया है, स्प्लिट वगैरह आता है, जैसे स्प्लिट हेड लैंप आ गई आपकी, इंडिकेटर्स वगैरह हो गया, और मिरर मत हटाना अभी इस बाइक के हटे हुए, जब आप बाइक खरीदोगे तो एसेसरीज के साथ वो भी आता है, तो मिरर्स इसमें लग जाएंगे। अगर आप मिरर्स हटा देते हो तो वैसे हाईवे में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो ये चीज़ें मत करना, अपना मिरर्स लगे रहने तो यार क्या ही लेते हैं, आपकी जान भी बच सकती है उससे, अगर बाई चांस आप पीछे देखते हो मुड़ के उतने में कुछ चीज़ें हो जाती हैं, तो ऐसा होना पर ध्यान रखना, तो बिल्कुल भी मिरर्स मत हटाना। और मैंने आई होप सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी हैं, पीछे से भी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है सब कुछ, तो वैसे अगर मुझसे कुछ छूट गया हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं वो भी बता दूंगा। तो टाइम आ गया वीडियो को एंड करने का, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो हिट लाइक एंड टू सब्सक्राइब माय चैनल, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राइड हार्ड एंड राइड सेफ, और मुझे कमेंट करके जरूर बताना ये बाइक आपको कैसी लगी, आप परचेज करना चाहोगे नहीं चाहोगे, और क्यों आप अगर लेना चाह रहे हो तो क्यों लेना चाह रहे हो। तो चलो फिर मिलते हैं इस बाइक के राइडिंग रिव्यू में आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राइड हार्ड राइड सेफ, बाय।